नमस्कार, स्वागत है आपका ओके इंडिया में। मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं सुरंग राजस्थान। चलिए रुक करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। देश में मामला महिलाओं के साथ रेप का हो या छेड़खानी का, दोनों ही घटनाओं में एक समानता है, सड़क और रात। फिर एक बड़ा सवाल, क्या रात में नहीं है? ये पूरा मामला चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बराला के बेटे विकास बराला के द्वारा एसपी बीटी वर्णिका से छेड़खानी के बाद महिलाओं ने आक्रोश दिखाया है। इस मुद्दे को लेकर जयपुर, कोटा सहित प्रदेश के कई शहरों में हजारों बेटियों ने मेरी रात मेरी सड़क दिखाया है। जयपुर में 12 बजे लगभग सभी जगहों पर मार्च निकाले गए, जहां मानसरों में एसएफएस से बीटी रोड तक बेटियों ने पैदल चलकर मार्च निकाला है। शहीद स्मारक पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस अभियान में शहर के कई कॉलेजों की छात्राओं के अलावा कामकाजी महिलाएं, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जयपुर से नवलगढ़ जाते समय चोमू के राधास्वामी बाग चौराहे के पास पूर्व विधायक भगवान साय सैनी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गहलोत अपनी कार से नीचे उतरकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद नवलगढ़ के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि नवलगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सावित्रीबाई फूले की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लिया। बारा में पुलिस ने झूठा रेप केस लगाने की धमकी लेकर ब्लैकमेलिंग करने के मामले में सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सदर थाने में मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला एक बुजुर्ग किसान से 3 लाख रुपए ठगने का है, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच कर इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को कोटा के बपावर थाना क्षेत्र लवानिया निवासी जयपाल मीना अपने बच्चों के रिश्ते के लिए सेक्स रैकेट के दलाल जाकिर हुसैन के झांसे में आ गया, जहां रारोती निवासी संतोष बाई ने बुजुर्ग को खाने पर कमरे में बुलाया और अश्लील हरकतें करने लगी। वहीं दलाल बीरम मीणा भी संतोष बाई के कमरे में आ गया और दोनों ने बुजुर्ग पर ज्यादती के झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए धमकाया और 5 लाख रुपए की मांग करने लगे, लेकिन पीड़ित बुजुर्ग परिवार से 3 लाख रुपए ही देने की बात कही। वहीं परिवार में पुलिस से मुकदमा करवाया है और जांच के बाद ही शनिवार को संतोष बाई, बीरम मीणा और मुरारी गुजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्लैकमेलिंग के संबंध में आज हमारे थाने पर ये संतोष बाई महिला है रारोती की, उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। ये लाखों रुपए जो है दूसरे लोगों को ऐसे मतलब झूठे केसों में फंसा कर उनको मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर उनसे जो है अवैध वसूली करती थी, डरा धमका कर। इस संबंध में जो है सेक्स रैकेट की ये जो महिला चलाती थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 384, 388, 389 आईपीसी में, और तब ये तफ्तीश के दौरान इसमें 2-3 आदमी जो है वो गिरफ्तार किए गए। महिला को संतोष भाई को गिरफ्तार किया है और दूसरा एक इसका जो दलाल है वीरम मीणा, मुरारी मीणा, वह एक जो जाकिर हुसैन, उनको गिरफ्तार भी किया है। तफ्तीश जो इसमें की जा रही है अभी। राजधानी के चोमू कस्बे में गरीबी भारत छोड़ो अभियान के तहत नगरपालिका से स्वयं सहायता समूह ने रैली निकाली है। रैली में 130 महिलाओं ने भाग लिया है और रैली को ईओ अभिषेक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली बस स्टैंड से रवाना होकर गढ़गणेश मंदिर होते हुए वापस नगरपालिका पहुंची है। इस जागरूकता रैली में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने के लिए कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार ऋण एवं स्वयं सहायता समूह बनाकर काम करने के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा डिजिटल मीडिया प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र कुमावत, पालिका उपाध्यक्ष रमेश चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 2022 तक भारत से गरीबी को काफी कम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक नारा दिया है गरीबी भारत छोड़ो, और गरीबी भारत छोड़ो अभियान चलाया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री महोदय के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा, तो उनके निर्देशानुसार लाभार्थी स्वयं सहायता समूह से जो हमारे दीनदयाल अंत्योदय योजना और जो अन्य योजनाएं चल रही है, उन स्वयं सहायता समूह के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई है। अजमेर में 71वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर को देखते हुए केंद्रीय बस स्टैंड पर चेकिंग की जा रही है।
पुलिस ने बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान कई गाड़ियों और यात्रियों के सामानों को चेक किया गया है ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई घटना न घटित हो जाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग हो गया है। बीकानेर नगर निगम क्षेत्र के एक पार्षद पति के साथ हुई मारपीट ने तूल पकड़ ली है। मामला इतना गर्मा गया है कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में बीकानेर के पार्षद इकट्ठा हो गए हैं और विरोध करने लगे हैं। पार्षद पति ने बताया कि पुलिस ने जबरन उसकी बाइक की चाबी छीन ली। जब चाबी निकालने का विरोध किया तो वहां उपस्थित पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि चाबी निकालते वक्त बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उसके साथ ही उसके शरीर पर कई जगह चोटें आई है। पुलिस उरमूर सर्किल पर हेलमेट चेकिंग का अभियान चला रही है। हेलमेट बाइक सवारों को कार्रवाई करते हुए पार्षद पति को वहां पकड़ा था। डीडवाना में आज 1.5 साल बाद फिर 7D हाईवे से अतिक्रमण तोड़े गए। इस दौरान राजस्थान पुलिस ने अतिक्रमण हटाने को देखने आई भीड़ को खदेड़ा है। आपको बता दें कि राजस्थान की आभानगरी डीडवाना का जहां प्रशासनिक पुलिस ने मौजूदगी में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को वहां मौजूद लोगों को खदेड़ना पड़ा। गौरतलब है कि 1.5 साल बाद 7D हाईवे से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई आज फिर शुरू हुई है। आज नगर पालिका अधिशासित अधिकारी डॉक्टर सहदेव चारण ने एक नोटिस जारी किया जिसमें 7D क्षेत्राधिकार में आने वाली पक्की निर्मित दुकान वालों को आज सुबह 8 बजे तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाए, जिसके बाद बैरिकेड्स लगाकर पुलिस जाब्ते व तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। जोधपुर में दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक स्कूली छात्र ने अपनी प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह होने पर पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा कक्षा 12वीं साइंस का छात्र चौथा राम ने सुसाइड नोट में लिखा कि वह हनी को बहुत चाहता है, लेकिन उसके परिजनों ने उसकी सगाई कहीं और कर दी। बाद में उसने अपने हाथ पर लाल रंग से आई लव यू लिखा और छात्रावास परिसर में पेड़ पर फंदा लगाकर झूल गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर शास्त्री नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। DYSP रोहन राम बिश्नोई के अनुसार आरोपी रुपए दुगने करने का झांसा देते थे और चिल्ड्रंस बैंक में फर्जी नोटों का ठगी के रूप में प्रयोग करते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों की 2 गाड़ियों का पीछा करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। साथ ही गिरोह के कुछ आरोपी अभी भी फरार है। नकली नोट मतलब चिल्ड्रन में एक नोट है, उनको असली के रूप में चला करके नोट लोगों को डबल करने का धोखा दे करके और ठगने का काम करने वाला ग्रोह है। इससे पूर्व भी इस ग्रोह ने कई घटनाएं अनुपट में घटनाएं की है। इस घटना में उन्होंने पहले धोखा देने के लिए इनको असली नोट 10,000 रुपये लेके बुलाया और 20,000 रुपये असली दे दिए। इससे लालच में आ गया और परिवार से करीब 5 लाख रुपये मंगाए और उसके बदले 10 लाख रुपये ये चिल्ड्रन में की जो नोट है उसके ऊपर ऊपर का एक एक नोट असली लगा दिया और 10 लाख रुपये नीचे कॉपी के कटे हुए पेपर बांध करके ऊपर असली एक नोट लगा करके और चिल्ड्रन में के नोट पकड़ा दिए। राजसमंद जिले में बरजाल में शराब की दुकानें हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत शनिवार को मतदान हुआ। जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी भीम ने बताया कि इस मतदान प्रक्रिया में कुल 2,781 में से 1,739 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। इनमें से 1,289 लोगों ने शराब की दुकानें हटवाने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 386 लोगों ने शराब की दुकान होने पर मतदान दिया। वहीं इस प्रक्रिया में कुल 64 मत खारिज हो गए। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में 7 गांवों ने मिलकर आवारा पशु को गोद लिया है। आवारा पशुओं की संख्या लगभग 200 बताई जा रही है। वहीं ग्रामीण पशुओं के लिए चारे पाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनूपगढ़ में नदियों की संख्या ज्यादा होने के कारण 87 GB के मशान भूमि को लोग अस्थाई नदीशाला चला रहे थे, जिससे प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके चलते गांव वासियों ने पशुओं को गोद लिया है।
बारा के कोयला गांव में एक सप्ताह पूर्व हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पिछले सोमवार को महावीर वैष्णव की लाश कोटड़ी सुंडा गांव में मेन रोड पर पड़ी मिली थी, जिस पर मृतक के पिता रमेश चंद्र वैष्णव ने सदर थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया था। इस हत्या के मामले में पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े खेमराज गुर्जर और प्रेमिका कमलेश बाई को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रेमी जोड़े के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। इस अवैध संबंधों का पता जब मृतक को पता चला तो इस दौरान मृतक कमलेश बाई के घर गया। उसने कमलेश बाई को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर कमलेश बाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहले से ही मौजूद कमलेश के प्रेमी खेमराज ने बाहर आकर महावीर को पकड़ लिया और नकली वस्तु से महावीर के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में खुलासा करने के लिए सदर थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी प्रेमी जोड़े खेमराज और कमलेश बाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। दिनांक 7 तारीख को महावीर वैष्णव की डेड बॉडी सदर थाना के कोयला गांव में मिली थी। इस पर मृतक महावीर के पिता रमेश की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि जो मृतक महावीर था, ये कमलेश भाई के ऊपर बुरी नजर रखता है। कमलेश भाई इसके दोस्त रामेश्वर उर्फ फोरिया की पत्नी थी और कमलेश भाई के अनलीगल रिलेशंस गट्टू उर्फ खेमराज से हैं। दिनांक 6/7 को रात्रि को खेमराज उर्फ गट्टिया इसके घर पर, कमलेश कुमारी के घर पर आया था। ये सूचना मिलने पर टीम के द्वारा कमलेश कुमारी को और गट्टिया को पकड़ा गया। इनसे गहनता से अलग अलग पृथक पृथक पूछताछ की गई तो दोनों ने मृतक महावीर की हत्या करना स्वीकार किया है। बाड़मेर के समदड़ी रेलवे स्टेशन पर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया पहुंचे हैं। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री कटारिया का भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर समदड़ी सिवाना भाजपा मंडल अध्यक्ष चंपालाल खंडक, भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह राठौर सहित अनेक भाजपा नेताओं ने कटारिया का साफा पहनाकर फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं बालोतरा में भी कार्यकर्ताओं ने कटारिया का अभिनंदन किया। गृहमंत्री ने नाकुड़ा जैन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद गृहमंत्री ने आपदा प्रबंध की बैठक में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के पास कोटा फोरलेन में देर रात सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतकों को कोटा स्थित घरों में कोहराम मच गया है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सभी मृतक कोटा के भाई मोहल्ले में निवासी है और वहीं टवेरा से सवार होकर देर रात को रामदेवरा दर्शन करने जा रहे थे। हादसे में 8 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। जैसलमेर में पोखरण के पास रूणीचा के लोक देवता बाबा रामदेव का मेला शुरू हो गया है। बाबा रामदेव के दर्शन के लिए हजारों यात्रु राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से पैदल चलकर रामदेवरा जा रहे हैं। वहीं सिरोही जिले में जगह जगह समाज सेवियों की ओर से यात्रुओं के लिए राम रसोड़े और विश्राम स्थल बनाए गए हैं। वहीं सेवा कार्य शुरू कर दिया है, जहां चाय, नाश्ते और खाने की व्यवस्था रखी गई है। यात्रुओं का आदर सत्कार किया जा रहा है। समाज सेवियों की ओर से यात्रुओं के लिए मेडिकल शिविरों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान रोडवेज ने विशेष बसें शुरू कर तैयारियां शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया।